सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं हम सब? आइए आप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो, ये है आरओबी ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के। वहीं ये पिलर चमक रहे हैं, दूसरी साइड में भी पाइल किए जा रहे हैं दोस्तों, और इस साइड में तो ये बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुके हैं दोस्तों। और किस तरीके से हमारे इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो आप लोग, किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है दोस्तों। आप सभी को आज ये पैकेज 3 देखने के लिए मिलेगा। देखो आप लोग तस्वीरें, और ये आरओबी से लेकर दोस्तों, और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कहाँ तक, ये तुम्हारा बड़ौत और मुजफ्फरनगर की जो रोड है दोस्तों, वहाँ तक का आज आप सभी को अपडेट में दिखाऊंगा। तस्वीरें देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ये मिट्टी खोदकर इसमें आरई पैनल्स को साइड में लगाया जाएगा, फिर इस पर क्या नाम है इसका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा पिलर के ऊपर दोस्तों। क्योंकि छोटा सा ये नाला है, यानी कि बम्बा जो खेतों में सिंचाई होती है वो बम्बा है दोस्तों, उसी के लिए ही ये देखो मतलब पिलर के ऊपर दोस्तों इसको स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हो यहाँ पर ये पियर कैप का काम किया जा रहा है, इसका पिलर तो पहले ही बन गया था दोस्तों, और दूसरी साइड में भी यही प्रोसेसिंग किया जाएगा। देखो यहाँ पर ये नाला है, यहाँ पर देखो ये पिलर बन गए हैं, इसमें भी पियर कैप का काम किया जाएगा। तो यही आप लोगों को बता दो दोस्तों कि ग्रीन फील्ड एरिया में बस यही वर्क चल रहा है, कहीं स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, कहीं अर्थ वर्क यानी कि मिट्टी डाली जा रही है, कहीं इस पर कॉन्क्रीट की लेयर डाली जा रही है। तो पूरे प्रोसेस में यही वर्क चल रहा है दोस्तों, और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए दोस्तों। और आप लोगों को बता दो कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स के नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में आते रहेंगे दोस्तों पर डे। तो तस्वीर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से हमारे इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं, पहला तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे था, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे होने वाला है। तो बहुत तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोस्तों, और किस तरीके से हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से न्यू इंडिया को बनाया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हो आप लोग, आप लोगों के आपका भाई आप लोगों के बीच में ऐसे ही अपडेट्स लाता रहेगा, आप लोगों को दिखाता रहेगा। आप लोग इसी वीडियो को देखोगे 20 साल बाद तो कितनी चेंजिंग होगी कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ था दोस्तों, किस तरीके से हमारे देश को बदला जा रहा था दोस्तों। जो बाहर की कंट्रियां हैं दोस्तों, आप लोगों को बता दूं वहां पर पहले इतने साधन नहीं थे, लेकिन अब हमारे इंडिया में ये साधन है। आप लोग देख सकते हो हज़ारों साल तक कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हुआ था हमारे इंडिया को, किस तरीके से न्यू इंडिया बनाया गया था दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, और ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। देख सकते हो स्ट्रक्चर कहीं बनाए जा रहे हैं, कहीं बनके कंप्लीट हो गए हैं, कहीं उन पर फ्लोर वर्क किया जा रहा है, कहीं उनकी बाल बनाई जा रही है। तो यही वर्क चल रहा है, तस्वीरें देख सकते हो दोस्तों। ये स्मॉल अंडरपास है दोस्तों, यानी कि पानी को निकलने के लिए देखो आप लोग, क्योंकि ऊपर मिट्टी डाली जा रही है, अर्थ वर्क का काम किया जा रहा है, तो यही काम चल रहा है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देखो, एंजॉय करो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। Thank you.
अब देखो आप सभी किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, सारे स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा हुआ है और यहाँ पर देखो अर्थवर्क की ये मिट्टी डाल दी है। अब इसको लेवल में किया जाएगा JCB द्वारा। आगे के स्ट्रक्चर देखो ये बन के कम्प्लीट हो गया दोस्तों, फ्लोर वर्क भी हो गया। अब इसमें RE पैनल लगा के दोस्तों इसको लेवल में किया जाएगा। और ये देख सकते हो ये लाइट BUP अंडरपास है दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। तो यही काम चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। और आगे आप लोगों को एक कैनाल पड़ेगी दोस्तों, उस पर भी एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जिस पर पिलर कैप पिलर बनाए जा रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो वो भी दिखाते चले गए, वो सामने चमक रहा है दोस्तों, वो आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पर हैवी पिलर बनाए जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर ये कैनाल, छोटी सी कैनाल है दोस्तों, उसी को क्रॉस करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो दोस्तों। देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ये पिलर का फाउंडेशन बन गया है। अब पिलर का स्ट्रक्चर के जो सरिया हैं वो ऊपर खड़े कर दिए हैं दोस्तों। अब इसमें कंक्रीट भरा जाएगा, पहले इसमें सेटिंग लगा कर और इसमें कंक्रीट भरने का काम किया जाएगा। ये पिलर को ऊपर बढ़ाया जाएगा, फिर इस पर पियर कैप का काम किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों गाटर की द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाएगा दोस्तों। आप लोग इस कैनाल को देख लो, अभी कैनाल को इसका पानी बिल्कुल रोक दिया है दोस्तों, अभी फाउंडेशन ही बनकर कंप्लीट हुआ है। तो देख सकते हो ये कैनाल है, मतलब कि लंबी चौड़ी कैनाल है, छोटी मोटी तो नहीं है, थोड़ी बड़ी कैनाल है, देख सकते हो ये। तो इसी वजह से यहाँ पर भाई साहब भारी भरकम इस पर अंडरपास बनाया जा रहा है दोस्तों, ब्रिज बनाया जा रहा है इसका। तो उसी का ही देख सकते हो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये पिलर बनाए जा रहे हैं, यानी कि बाल को ऊंचा किया जा रहा है पिलर की बाल को, क्योंकि ये चौड़ाई में है पिलर दोस्तों, गोलाई में नहीं है, चौड़ाई में है। तो इसीलिए यहाँ पर ये काम चल रहा है दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से काम को किया जा रहा है। देख सकते हो हम किधर आ चुके हैं दोस्तों, देखो इधर जहाँ मिट्टी उठाई गई है JCB से, उधर की साइड से हम निकल रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हो, क्या ही भाई साहब, आप लोगों के बीच में अपडेट लाने के लिए दोस्तों क्या क्या करना पड़ता है, किन किन जगहों से कैसे कैसे मुश्किलों से गुजरना पड़ता है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों ये रोरी बजरी की लेयर डाली गई है, और डालने के बाद में दोस्तों जो सीमेंटेड रोरी बजरी है उसको मिक्स करने के बाद में यहाँ पर ये डाली गई है। तस्वीरें देख सकते हो, एक साइड में तो वो उधर चिपकाया गया है, देखो वो वहाँ पर रोड लोलर भी चल गया, और इसमें पानी की मदद से ये जो टाट के बोरे रखे हैं उनको भोगो भोगो के यहाँ पर डाला गया ताकि ये चिपक जाए दोस्तों। देखो कुछ इस तरीके से बनाया गया है एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे किस तरीके से बनाया गया है देख सकते हो आप लोग। तस्वीरें बनाया जा रहा है, ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, ग्रीन फील्ड एरिया है दोस्तों, ये 210 किलोमीटर का पार्ट है दोस्तों, और ये 13,000 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है दोस्तों। दिल्ली के अक्षरधाम टेम्पल से स्टार्ट होता है दोस्तों, और ये उत्तराखंड के देहरादून जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर जाकर ये ख़त्म हो जाता है दोस्तों। और आप लोगों को दोस्तों इसके बन जाने के बाद में मात्र आप लोग 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून जा सकते हो, मात्र 2.5 घंटे में पहुँच जाओगे दोस्तों। देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर वर्क किया जा रहा है दोस्तों, इस पर रोरी बजरी की लेयर डाल दी है देखो, और यहाँ पर इस जगह अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, यानी कि मिट्टी डालने के बाद में इसको लेवल में कर दिया जा चुका है दोस्तों। लोड रोलर भी चल चुका है, अब इसमें रोरी बजरी की लेयर डाली जानी है दोस्तों। तो यही काम चल रहा है, चलते हैं आगे, दिखाते चल के आप सभी को। Thank you.
और इस जगह देख सकते हो ये जेसीबी अब मिट्टी को मतलब कि फैला रहा है दोस्तों। और यहाँ पर देखो ये बनाया गया है स्मॉल पाइपलाइन मतलब कि पानी के लिए डालने के लिए। और देखो यहाँ पर ये मशीन चल रही है दोस्तों जो मिट्टी को लेवल में ला रही है, यानी अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है दोस्तों ग्रीन फील्ड एरिया में। आने वाले टाइम में दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि जहाँ से ये हाईवे निकलता है वहाँ पर बसापत होती है और वहाँ पर दिन दुगनी रात चौगनी होना स्टार्ट होता हो जाता है दोस्तों। तो यही है हमारे इंडिया को न्यू इंडिया, इन एक्सप्रेसवे की मदद से ही दोस्तों इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से दोस्तों। देखो किस तरीके से यहाँ पर ये पिलर बना के और किस तरीके से यहाँ पर ये काम किया जा रहा है दोस्तों। जहाँ पर ये निकलने का मतलब रोड है वहाँ पर ये आरओबी बनाए जा रहे हैं, अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं दोस्तों, पानी के लिए बनाया जा रहा है। तो यही काम चल रहा है इस ग्रीन फील्ड एरिया में दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, आपसे कुछ छुपा नहीं है दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें दोस्तों, अब हम ये एक्सप्रेसवे के नीचे से आ चुके हैं। ऊपर वाली लाइन है एक्सप्रेसवे की, अभी हम नीचे चल रहे हैं, ऊपर कोई काम नहीं चल रहा, मतलब निकलने की जगह नहीं थी। और देखो यहाँ पर ये बनाया जा रहा है स्मॉल अंडरपास दोस्तों, जिसकी ये बाल्थ बन गई है दोस्तों। अब इस पर फ्लोर वर्क किया जाएगा। तस्वीरें देख सकते हो किस तरीके का यहाँ पर नज़ारा है। और यहाँ से चढ़ जाते हैं ऊपर और ऊपर दिखाते हैं चल के कि ऊपर क्या क्या वर्क किया जा रहा है दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ पर ये रोरी बजरी की लेयर डाल दी है दोस्तों, इस पर रोलर भी चल गया है। अब इस पर आगे का काम किया जाना है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, मतलब कुछ जगह तो कंप्लीट हो गया, कुछ जगह अभी कंप्लीट नहीं हो पाया दोस्तों। देखो आप लोग यहां पर ये रोरी बजरी की लेयर डाल दी है, इस पर काम हो गया कंप्लीट, इस पर और डाली जाएगी अभी, फिर इसके बाद में ऊपर इस पर ब्लैक टॉप किया जाएगा दोस्तों।
दोस्तों मुजफ्फरनगर रोड देखो ये सामने आ चुकी है दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। और यहाँ पर भी ये पिलर का स्टक पिलर को बना दिया दोस्तों, इन पे अब पियर कैप का काम किया जा रहा है दोस्तों। फिर गाटर लॉन्चन के द्वारा गाटर लॉन्च किए जाएंगे, एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाएगा। इस रोड को दोस्तों देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, और किस तरीके से यहाँ पर ये बड़ौत और मुजफ्फरनगर रोड को क्रॉस करेगा ये वाला हाईवे दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय।